तर सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आणि ती म्हणजे मॉन्सूनची, कारण मॉन्सून अंदमानमध्ये दाखल झाल्याची बातमी कळते आणि अंदमानामध्ये या मोसमी पावसाचं आगमन झालेलं आहे. काही दिवसातच हा पाऊस आता केरळमध्ये पोहोचणार आहे आणि त्यानंतर त्याची वाटचाल देशभरात असणार आहे. पण त्यामुळेच आत्ताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी आणि ती म्हणजे अंदमानामध्ये मोसमी पाऊस पडायला सुरुवात झालेली आहे. आत्ताच्या क्षणाची एक महत्त्वाची बातमी, अंदमानमध्ये मॉन्सून दाखल झाला आहे. आज तारीख आहे 16 मे. याआधी देखील शक्यता ज्याप्रमाणे वर्तवण्यात आलेली होती त्याप्रमाणे काही दिवस आधी मॉन्सूनचं आगमन होत आहे का असं देखील शक्यता वर्तवली जात होती आणि मॉन्सून अखेर अंदमानात दाखल झालेला आहे. त्यामुळे आत्ता आपण बघतोय की हळूहळू केरळ आणि त्याच्यानंतर इतर राज्यांमध्ये या पावसाचं आगमन होईल आणि त्याच्यानंतर देश व्यापून या मॉन्सूनची मुसळधार बरसात सुरू होईल. या वर्षीचा मान्सून उत्तम राहण्याची शक्यता आहे. त्याचं प्रमुख कारण म्हणजे लालिनो इफेक्ट. आपण याआधी अलिनो इफेक्ट ऐकला, आता नेमका हा लालिनो इफेक्ट काय हा देखील आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ML शाहू सर आहे, मौसम वैज्ञानिक आहे ते. सर, लालिनो इफेक्ट नई चीज है, लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने अलिनो इफेक्ट सुना था. ये दोनों का क्या फ़र्क है और जो मानसून अच्छा रहने के आप अंदेशा जता रहे तो लालिनो इफेक्ट में उसकी क्या भूमिका रहेगी? जो हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इशू करते हैं उसमें हमारे जो 6 पैरामीटर या 5 पैरामीटर, स्टेज में 5 पैरामीटर होते हैं, सेकंड स्टेज में 6 पैरामीटर्स होते हैं. उसमें से एक पैरामीटर जो होता है वो एलनिनो पैरामीटर होता है. तो अलग अलग उसमें ये जो एलनिनो होता है वो पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. तो उसमें जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है वो ओशन में जो हीट का सर्कुलेशन होता है उसके ऊपर में कनेक्टेड होता है. तो पैसिफिक ओशन में पर्टिकुलरली जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे पेरू के कोस्ट में जो है वहाँ का सी सरफेस टेम्परेचर नापा जाता है. वो अगर नॉर्मल होता है तो वहाँ के फिशरमैन्स के लिए अच्छा रहता है, तो उसको हम नॉर्मल लेयर लेते हैं. लेकिन अगर वो सी सरफेस टेम्परेचर वहाँ के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया तो उसको एलनिनो ईयर बोलते हैं. तो उसके कारण क्या होता है कि फिश वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, तो उन लोग जो है वहाँ के फिशरमैन जो होते हैं वो उसको काफ़ी केयरफुल रहते हैं कि उनके लिए अच्छा नहीं है. लेकिन उसकी जो पैसिफिक ओशन के फ्लो से कनेक्टिविटी है तो वहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो मानसून का जो करेंट है वो थोड़ा वीक रहने की पॉसिबिलिटी रहती है. हालांकि 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी रहती है. तो एलनिनो जो होता है इसलिए एक फैक्टर जो है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में लिया जाता है. अगर वो सी सरफेस टेम्परेचर से ज़्यादा है तो मानसून वीक की पॉसिबिलिटी है. अगर वहाँ का जो पेरू कोस्ट का सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो हो जाए तो उसको एलनिनो का जो उल्टा होता है लानीना बोलते हैं. तो लानीना जो होता है वो मानसून के लिए फेवरेबल होता है. और इस बार जो अभी प्रेडिक्शन किया गया है कि पैसिफिक ओशन में लानीना कंडीशन रहेगी थ्रू आउट मानसून सीजन, तो ये एक गुड इंडिकेशन है कि इस साल मानसून अच्छा रहेगा. तर आतापर्यंत आपण अलिनो ऐकलं, आज लालिनो देखील ऐकलेलं आहे की नेमकं लालिनोचा काय इफेक्ट असतो. लालिनो कंडिशन असल्यामुळे यावर्षीचं मान्सून हा उत्तम राहण्याची अपेक्षा नागपूर हवामान विभागाचे जे वैज्ञानिक आहे ML शाहू यांनी व्यक्त केली आहे. रिजनली विलास खडसेसह तुषार कोहळे, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर.